हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड जीके ट्रिक में। दोस्तों, आज है पार्ट सेकंड, अक्षांश रेखाओं से संबंधित। जितने भी पार्ट बनेंगे दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इनका लिंक चेक कर सकते हो। आज सेकंड पार्ट है जिनमें है देशांतर रेखाएं, और इनको हम समझेंगे। छोटी छोटी इंफॉर्मेशन क्या है इसके बारे में, कितने ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। तो दोस्तों, लास्ट तक वीडियो के बने रहिए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। ये मैंने थोड़ा चित्र बनाया हुआ है, ग्लोब, थोड़ी देर के लिए इसको ग्लोब मानेंगे, क्योंकि पृथ्वी की जो आकृति है वो भी थोड़ी ग्लोब जैसी ही है, ठीक है। तो इससे ही हम समझेंगे कि क्या है देशांतर रेखाएं, ठीक है। इससे जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे वो निकालने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले बताया था, ये हमारा क्या है, उत्तरी ध्रुव, और ये क्या है, दक्षिणी ध्रुव। जिस तरह अक्षांश रेखाएं क्या है, एक वृत्त के रूप में थी। किसके रूप में? वृत्त के रूप में। कैसे थी? जैसे ये थी पृथ्वी, और इस पे खींची गई थी ऐसे, यानी कि जो रेखा इधर है तो वो पीछे को भी आती है घूम के, तो वो तो था एक वृत्त के रूप में। अब क्वेश्चन ये बनता है कि देशांतर रेखाएं क्या है। देशांतर रेखाएं दोस्तों एक ध्रुव से शुरू होती है और दूसरे पे खत्म होती है। तो इनको हम बोल सकते हैं कि जो देशांतर रेखाएं हैं वो एक रेखा है, या फिर अर्धवृत्त के रूप में हम इसको लिख सकते हैं, कह सकते हैं ये अर्धवृत्त के रूप में है या फिर एक रेखा है, ठीक है। जिस तरह दोस्तों अक्षांश रेखाएं दो पार्ट में डिवाइड थी, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, ऐसे विषुवत दीर्घ रेखा था, और जैसे कि ये दो पार्ट में डिवाइड था, उसी तरह देशांतर भी क्या है, दो पार्ट में डिवाइड होता है। इधर है पूर्वी देशांतर, और इस साइड जो है पश्चिमी देशांतर बोलते हैं जिसको, पश्चिमी देशांतर। अब इनकी संख्या कितनी है हमें पता है, अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 है, प्लस अगर विषुवत को ऐड करते हैं तो 181 हो जाती है। अब इनकी संख्या कितनी है दोस्तों, इनकी जो टोटल संख्या है दोस्तों, 180 रेखाएं इधर है और 180 देशांतर रेखाएं इधर है, ठीक है। तो कितनी होगी टोटल, 180 प्लस 180 इक्वल 30, 360, 360, ठीक है। तो कितनी होगी, यानी कि टोटल कितनी रेखाएं हैं इस साइड और इस साइड को मिला के, देशांतर 360 रेखाएं देशांतर के रूप में है दोस्तों पृथ्वी पर, ठीक है, पृथ्वी पर। और थोड़ा इनकी दूरी की बात करते हैं दोस्तों। जैसे कि अक्षांश रेखा 1 डिग्री पर लेते हैं हम, तो इनकी जो खींचते हैं, जैसे कि पृथ्वी पर इनको खींचा गया है, ये भी कितने डिस्टेंस पर, 1 डिग्री पर देशांतरों को खींचा जाता है, और उस 1 डिग्री देशांतर पे कंटिन्यू इसके बीच में, इसके बीच में, और इसके बीच में, यानी कि देशांतरों के बीच की दूरी की इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों। सबसे ज्यादा जो दूरी होती है विषुवत पर होती है दोस्तों, विषुवत पर 111.32 किलोमीटर आपने ध्यान रखना है, ठीक है, समझा रहा है। यानी कि इनके बीच की दूरी विषुवत पर सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि यहां से स्टार्ट होगा तो यहां पर तो एंड होगा, तो ये बीच में क्या हो जाती है, थोड़ा थोड़ा कम होने से, यानी डिस्टेंस जो है जो कम होता नीचे चला जाता है, ठीक है, यहां तक समझ आया। आप देखते हैं दोस्तों, देशांतर रेखाओं का जो यूज है, मैंने बताया था अक्षांश रेखाओं का यूज किस में होता है, ऊष्मा और ताप के निर्धारण के लिए पृथ्वी पर, लेकिन देशांतर रेखाओं का यूज किस में होता है, समय और तिथि के निर्धारण पर, सॉरी तिथि के निर्धारण के लिए, तिथि के निर्धारण के लिए होता है। अभी कैसे होता है दोस्तों, इससे जितने भी जुड़े पार्ट है ना वो मैं आपको बिल्कुल आराम से समझाऊंगा। भारत का समय कैसे निर्धारित होता है, ग्रीनविच और भारत का समय कैसे निर्धारित होता है, कितना घंटे आगे है कितना पीछे है, वो सारी जो वीडियो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और पार्ट वाइज भी मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो देशांतर रेखाओं का जो यूज है वो किस में होता है, समय निर्धारण के लिए, तिथि निर्धारण के लिए। अब तिथि निर्धारण के लिए किसको कितना मानना है वो थोड़ा सा मैं अभी इसी वीडियो में बता देता हूं। 0 डिग्री को बोलते हैं समय रेखा, या फिर यामात्र रेखा, यामात्र रेखा, ठीक है। और जो तिथि के लिए निर्धारित की गई है वो है 180 डिग्री, 180 डिग्री रेखा, ठीक है। तो दो तीन पॉइंट है जो टाइम से जुड़े हुए हैं, ठीक है। यहां तक समझ आया, कोई दिक्कत आई दोस्तों पॉज करिए वीडियो को, पीछे जाके देखिए, ठीक है।
ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ आया दोस्तों? ये कुछ पॉइंट थे जो देशांतर रेखाओं से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे समय का निर्धारण कैसे होता है। ठीक है दोस्तों,